नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। ताजमहल को 1 करोड़ से अधिक रुपए का नोटिस आगरा नगर निगम ने भेजा है। नोटिस में गृहकर, जलकर और सीवर कर इत्यादि शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक अकेले हाउस टैक्स के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए का नोटिस पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भेजा गया है। नोटिस में 15 दिन के अंदर ये हाउस टैक्स जमा करने को कहा गया है। अगर 15 दिन में टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो ताजमहल को जब्त करने की चेतावनी दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाउस टैक्स का एक नोटिस एत्मादुल्ला स्मारक को भी भेजा गया है। संरक्षित स्मारक एत्मादुल्ला को यह नोटिस एत्मादुल्ला फोरकोर्ट के नाम से भेजा गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार पटेल ने बताया कि ताजमहल और एत्मादुल्ला के संबंध में भेजे गए नोटिस का जवाब देकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। उन्होंने कहा कि ताजमहल और एत्मादुल्ला राष्ट्रीय स्मारक और ये केंद्र और राज्य सरकार की संपत्ति है। उन्होंने संभावना जताई कि नगर निगम द्वारा टैक्स गणना के लिए लगाई गई एजेंसी की गलती से ऐसा हुआ होगा। पुरातत्व विभाग नगर निगम को जवाब भेजकर स्थिति स्पष्ट कर देगा। सहायक नगर आयुक्त सरिता सिंह ने बताया कि साई कंस्ट्रक्शंस कंपनी को गृह कर गणना की जिम्मेदारी दी गई है। गूगल मैपिंग के चलते कुछ जगह गड़बड़ी पता चली है, इसकी जांच कराई जाएगी।